नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। प्रदेश की नई सरकार एंटी नारकोटिक्स ड्रग के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत कर चुकी है। छतरपुर के तमाम मेडिकल स्टोर्स पर पिछले रोज पुलिस ने एक टीम बनाकर जांच पड़ताल की थी कि नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कितनी मात्रा इन मेडिकल स्टोर्स पर है। हालांकि इस जांच पड़ताल में कोई बड़ी मात्रा ऐसी दवाओं की नहीं मिली थी, लेकिन पुलिस का ये अभियान लगातार चलता रहेगा और मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ भी एडिशनल SP जयराज कुबेर ने एक बैठक करके पूरे दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसी दवाएं जिनसे जिनका दुरुपयोग हो सकता है, जो नशे के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं, इन दवाओं को बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना दिया जाए मेडिकल स्टोर से। मेडिकल स्टोर संचालक इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी दवाएं जिनका उपयोग नशे के रूप में युवा पीढ़ी कर रही है, उनको बगैर डॉक्टरी सलाह के ना बेचें। आपको बता दें कि ऐसे कई खांसी के सिरप हैं जिन्हें आजकल के युवा नशे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें कोरिक्स, फेंसीड्रिल और कोडीन जैसे सिरप हैं जो लगातार युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। ये खबरें लगातार सामने आ रही थी और अब इसको लेकर प्रशासन ने सक्रियता दिखाई है। इस मामले में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों ने भी पुलिस को पूरा सहयोग देने की बात कही है। ये जिला प्रशासन की ओर से और ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी कि छतरपुर जिले में नारकोटिक्स ड्रग और जैसे कोरेक्स, फेंसीडिल, कोडीन ड्रग आते हैं, एल्प्राजोलम टैबलेट हैं जिनका नशे में भी उपयोग होता है और मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक भी हैं, उस संबंध में कि उनका दुरुपयोग ना हो, इस संबंध में गवर्नमेंट का फोकस है। ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि इनकी दवाई की दुकानों पे अनधिकृत बिक्री नहीं होना चाहिए। जो जिनको आवश्यकता है उनको मिलना चाहिए, बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोडीन में महक नहीं आती है। इसलिए जो नए उम्र के लड़के हैं दारू की जगह इसका उपयोग करते हैं ताकि घर वालों को मालूम नहीं चले और इसके बाद वो क्राइम करते हैं। तो आज इस संबंध में मीटिंग हुई, हम सभी दवा वालों ने एश्योर किया कि इस मुहिम में हम आपके साथ हैं। दवाई वाले ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि जिसमें प्रशासन को असुविधा हो और ना कोई गलत मेडिसिन बेचता है। अभी दो दिन सर्च हुई, सर्च में भी किसी के यहाँ कोई गलत बिक्री का रिकॉर्ड नहीं पाया गया, ना कोई कोडीन वाली ड्रग पाई गई, कोरेक्स, फेंसीडिल वगैरह और एल्प्रेक्स वगैरह भी ऐसी नहीं पाई गई। डॉक्टर का पर्चा लेके आएगा, जो पर्चा लेके आएगा तो वो ज़रूरत वाला है। अभी चर्चा के दौरान एक ड्रग इंस्पेक्टर महोदय ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम यदि ज़रूरत वाले को मेडिसिन देते हैं, कई बार क्या होता है कि मेडिसिन वो हमसे ले गया, बगल वाले दुकानदार से ले गया, तीसरे से, चौथे से ले लिया, तो उसका दुरुपयोग करता है, तो हम उसमें डाल देंगे, डेट डाल देंगे और क्वांटिटी डाल देंगे। यदि डॉक्टर ने 20 टैबलेट लिखी हैं तो हमने 10 टैबलेट अगर उसने ली हमसे तो हम 10 टैबलेट डाल देंगे और साइन कर देंगे। तो दूसरे मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, अभी सबको इंस्ट्रक्शन भी दे दिया कि उसके बाद वो नहीं देगा, कि देगा तो 10 देगा भाई और उसमें वो भी एंट्री कर देगा। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई मिसयूज़ करता हो उसका। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होता है अगली खबर के साथ। नमस्कार। गहोई सेल्स एंड सर्विस में आकर्षक एक्सचेंज ऑफर के साथ आपको मिलेंगे कैंट, नसाका, यूरेका फोर्ब्स, एक्वागार्ड, टाटा स्वच्छ और यूनिलीवर प्योरिट के अलावा ल्यूमिनस बैटरी, हेवल्स, पद्मनी अप्लायंस, बजाज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिंफनी, उषा, सेलो और इसके अलावा टेलीविजन रेंज में टाटा स्काई, HD वीडियोकॉन, T2H और डिश टीवी की सुविधा, साथ ही साथ वी गार्ड और फिलिप्स के भी उत्पाद। इस भीषण गर्मी में कूलर की हर रेंज गहोई सेल्स एंड सर्विस में उपलब्ध है, तो आज ही आए गहोई सेल्स एंड सर्विस, कांग्रेस कार्यालय के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर।